नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में और मैं शिवम ठाकुर। आज फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसने बहुत पहले ही जारी कर दिया है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं, वीडियोज भी आए होंगे यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे भी आए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो बहाली अभी तक नहीं आ रही है। तो वो उसका क्या अपडेट है, वो कहाँ तक पहुंची है बहाली, क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों पे हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स का हम लोग एक साथ लेकर के चलें। तो मेजर डिपार्टमेंट है, आज पहला वीडियो है इस टॉपिक पे, तो हम लोग आज इंपॉर्टेंट जो मेजर डिपार्टमेंट है जहाँ अच्छी खासी सीटें हैं वो देखेंगे, फिर अगले वीडियोज़ में और उसके अगले वीडियोज़ में लगातार हम लोग बताएंगे और सारा अपडेट देंगे। जानकारी फ्रेंड्स मैं अपने स्तर से आप लोग को के पास लेकर के आता हूँ, बिल्कुल काफ़ी मेहनत करके। तो फ्रेंड्स, इस मेहनत के लिए आप लोग का एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है? आप लोग का लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, और पहली बार है फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिएगा ताकि हम भविष्य में और अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब बताते हैं कि टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग के बोर्ड पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल करके आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। पहली बार अच्छा लगे तो जरूर मोटिवेट करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कि बिहार में आने वाली बहालियां, ठीक है, आने वाली तो बहालियां आप लोग आए दिन अखबार के माध्यम से देखते हैं कि ये बहाली आने वाली है, वो बहाली आने वाली है, कमेंट भी आता है आप लोगों का कि बस अखबार के माध्यम से ही आ रहा है, बहाली कब आएगी, कब होगा चालू। तो हकीकत है फ्रेंड्स कि इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता है। नोटिफिकेशन जारी हो गया, पद सृजित हो जाता है, उससे भी कुछ नहीं होता है। जब तक विज्ञप्ति जारी ना हो जाए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी ना हो जाए, तब तक आप लोग की बहाली नहीं आती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है हम लोग का, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, BRDS, इसका वेबसाइट फ्रेंड्स BRDS का वेबसाइट है। सीधा आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे BRDS, उसमें भी आप लोग देखेंगे। कुछ लोग हैं जो फ्रेंड्स सीधा सीधा कमेंट नीचे कर देते हैं कि वीडियो फेक है, गलत वीडियो है जानकारी, तो आपको इस चीज़ का फ्रेंड्स गारंटी है, हमारे चैनल पे कोई भी जो जानकारी दी जाएगी वो 100% ऑथेंटिकेट होगी, 100%। अगर आप उसमें से कोई गलत साबित कर देता है तो फ्रेंड्स वो हमारे तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, ठीक है, इसमें जो पदों की संख्या है वो 8,364, और नोटिफिकेशन का जो वर्ष जारी किया गया था फरवरी 2020, ठीक। नोटिफिकेशन अगर कोई लेना चाहेंगे तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक PDF का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इस टॉपिक पे, इन पोस्ट पे वीडियो, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके सीधा सीधा वो वीडियो देख सकते हैं कि कितने पदों पर बहाली आने वाली है, कौन से पोस्ट है, ओवरव्यू हमारे इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो 8,364 में जो है पोस्ट है फ्रेंड्स, वो असिस्टेंट इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर का है, लेखापाल का है, पंचायत रोजगार सेवक का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड डिपार्टमेंट है राजस्व भूमि सुधार विभाग, इसके अंतर्गत आप लोग को प्रोग्रामर के पोस्ट देखने को मिलेंगे, डाटा एंट्री के पोस्ट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स है ये बिहार ITI अनुदेशक, इसमें आपको फ्रेंड्स ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जैसे कि प्यून हो गए, परिचारी, आदेशपाल, उसके बाद अनुदेशक हो गए फ्रेंड्स, तो अनुदेशक में हो गए ITI में जो टीचर के लिए जो पढ़ाने जाते हैं उनको अनुदेशक बोला जाता है, ITI में इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको, तो उसके लिए यहाँ पे कुल पदों को जोड़ दी जाए तो 15,247 पद। आप सोच सकते हैं कि अच्छी खासी बहाली हो जाएगी अगर ये जल्दी से जल्दी करा दी जाए। और ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार फ्रेंड्स आपको पता है कि 19 लाख रोजगार देने की बात कह चुकी है, जैसे ही सत्ता में आई थी तो उनका मेन मुद्दा यही था कि 19 लाख रोजगार देगी, तो कुछ ना कुछ तो करेगी फ्रेंड्स कि अपना जो वचन है उसको निभाया जाए। तो इसी को लेकर के आप लोगों को सतर्क रहना है, जो भी उसका गाइडलाइंस होगा, जो भी आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, सारा हमारे चैनल पे मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आपको गाइडेंस की कमी ना हो। चलिए बताते हैं ये बहाली कहाँ फंसी है। तो बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी की जो बहाली है फ्रेंड्स वो फरवरी 2020 में BRDS के वेबसाइट पे टेंडर के माध्यम से आया था, जिसमें बताया गया था कि 8,364 कुल पद है और उसमें आपको विभिन्न प्रकार के पोस्ट थे, जैसे कि मैंने बता दिया कि इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पंचायत रोजगार सेवक। तो अभी इसका लास्ट अपडेट है फ्रेंड्स, वो दिसंबर 2020 में आया था, 6 कंपनियों ने भाग लिया था जिसमें से 2 कंपनियां सिलेक्ट हुई थी कि फाइनल बिड ओपन करेंगे कि वो कितने पैसों में ये एजेंसी पूरा जो एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रोसेस है ज्वाइनिंग तक का वो कितने पैसे में करा लेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियली बिड ओपन करने का जो नोटिस, उसका वीडियो मैंने बनाया था, तो दिसंबर 2020 के बाद इसका कोई अपडेट नहीं है।
यानी कि लगभग अगर अगर प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो लगभग हो सकता है कि फ्रेंड्स ये अंतिम चरण पे होगा, और जो भी खर्च वगैरह है वो एजेंसी को अपने थ्रू ही वहन करना है। सारे एजेंसी का प्रश्न था सरकार से, तो सरकार ने उसका जवाब दे दिया है, और अब हो सकता है कि जल्द से जल्द बहाली निकाली जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत बड़ा आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिहार सरकार को अब एजेंसी हायर करने की क्या आवश्यकता है, क्या ये प्राइवेट जॉब है? तो नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं है ये, 100% गवर्नमेंट ही जॉब होगी। ये हो सकता है कि संविदा आधारित हो, क्योंकि इस पे ये क्लियर नहीं था कि परमानेंट बहाली आएगी कि संविदा आधारित। तो वैसे बिहार सरकार के पास खुद एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बेल्ट्रॉन भी अब एग्जाम कंडक्ट कराने लगी है, जैसा कि आप लोगों ने एसटीईटी के एग्जाम में देखा था। लेकिन बिहार सरकार पता नहीं दूसरा अभी क्यों चाहती है कि एक नया एजेंसी हायर करें ताकि वो इस एग्जाम को पूरा कराए और ज्वाइनिंग प्रोसेस तक पहुंचाए। और इसमें जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वो एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट बहाली होगी कि एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, तो इसको एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है? सेकेंड विभाग आता है फ्रेंड्स, राजस्व भूमि सुधार विभाग। इसकी बहाली के लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जारी किया गया था फरवरी 2021 में, और बताया गया था कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मार्च और अप्रैल में, ठीक है? मार्च तो खत्म हो गया लेकिन अप्रैल अब शुरू हुआ है। लेकिन अब इसकी बहाली क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे पदों की बात कर ले तो डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पद हैं, और जो कि बताया गया है विभाग के द्वारा कि परमानेंट पोस्ट है, कंप्लीटली परमानेंट, यानी कि आपको यहाँ पे वेतन लेवल देखने को मिलेगा और साथ में आपको सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? तो अब इसका क्या स्टेटस है? तो सबसे पहले बता दें कि राजस्व भूमि सुधार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था कि जो वर्तमान में जो बहाली है वो फिलहाल अगर जैसे कि कुछ जरूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ जाती है अभी वर्तमान में, तो बेल्ट्रॉन से वो कर्मी ले लेगी, क्योंकि बेल्ट्रॉन भी डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड कराती है। जब तक बहाली में संविदा सॉरी परमानेंट बहाली ना आ जाए तो वहां से बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर बेल्ट्रॉन प्रोवाइड कराती रहती है। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग ने मांग किया है बेल्ट्रॉन से, ठीक है? ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया ना? तो अगर वर्तमान में कुछ होती है तो कुछ पदों के लिए, यानी कि 50 से 100 पदों के तक बेल्ट्रॉन वाले वहां जाएंगे, 3883 पूरे नहीं जाएंगे, 50 से 100 पदों के लिए वहां पे जाएंगे बेल्ट्रॉन वाले, ताकि थोड़ा बहुत काम उनका चल सके। तीसरा फ्रेंड्स है, आप लोग को ये बता दें, बिहार में आईटीआई अनुदेशक, इसके लिए नोटिफिकेशन 2020 में जो पदों का सृजन है वो हुआ था, 3020 पद के आसपास टोटल हुआ था। और बात करें इस डिपार्टमेंट में बहाली की, तो वो 2010 के बाद परमानेंट बहाली नहीं आई है, 2012 में आई थी फ्रेंड्स, जिसमें समथिंग 200 या 250 के आसपास अनुदेशक का लगाया गया था संविदा तौर पे या फिर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया गया था, और उसके बाद फ्रेंड्स अभी तक कोई बहाली नहीं आई है। लेकिन 2020 में जो पदों का सृजन हुआ तो बताया गया कि आईटीआई में अनुदेशक के लिए, यानी कि जो टीचर होंगे उनके लिए 2258 पद सृजित हैं, और बाकी जो शेष पद हैं वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए हैं, और जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, लेखापाल हो गए, उन लोगों के लिए है कंप्लीट जोड़ के। तो बात कुल मिला जुला कर फ्रेंड्स ये है कि इसका जो बहाली लेगी वो लेगी बीटीएससी, ये बिहार प्रशासनिक जो विभाग है बिहार, उसके तरफ से बता दिया गया है कि बीटीएससी को ये लेटर भेज दिया गया है। और इसका स्टेटस फ्रेंड्स ये है कि अप्रैल के लास्ट तक कुछ इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कोशिश में है सरकार भी और स्टूडेंट भी जो इससे जुड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द बहाली आ जाए। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक इसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह आने का चांस है। लेकिन फ्रेंड्स बात कर लें तो पिछले 3 सालों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है, तो गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया। दूसरी चीज फ्रेंड्स, राजस्व भूमि सुधार विभाग है, इसका बहाली लिया जाएगा बीएसएससी के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा, और बिहार एसएससी के थ्रू लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो उसमें भी आपका 2 टर्म में एग्जाम होगा, पीटी मेंस और टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें तो, ठीक है? तो इसके लिए भी फ्रेंड्स अप्रैल का ही है, देखते हैं अब जब निकल जाए तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इसके बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही अपडेट आप लोग को देना था कि कौन बहाली कहाँ तक पहुँची हुई है, और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो तैयार रह सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, इंतजार करिए हमारे किसी नए वीडियो का किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।